मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि कृषि कानून बिल तीनों वापस किया जाए, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। जो कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है तीन कानून, यह काला कानून है। इस काला कानून के विरोध में हम सब मानव श्रृंखला बनाए हुए। यह कानून किसान विरोधी कानून, किसानों के विरोध के कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस राज्य में और पूरे देश में आंदोलन करते रहेगा। 2020 में भाजपा सरकार ने कृषि कानून लाया था, उसके विपक्ष में जितने भी विपक्षी थे उन्होंने आंदोलन किया है, कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज राजद सरकार और बिहार के जितने भी विपक्ष में नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो अभी मानव श्रृंखला बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बेरोजगार को रोजगार दो, कृषि विरोधी कानून को वापस लो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। और ये इनसे भी हम बात करेंगे कि और क्या क्या मामला है, किस किस मुद्दे को लेकर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। वहीं राजद के मानव श्रृंखला में सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, बरहड़िया विधायक बच्चा पाणे, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी, गोरिया कोठी के राजद पूर्व प्रत्याशी नूतन देवी वर्मा, राजद नेत्री लीलावती गिरी सहित कांग्रेस और सीपीआई एमएलए के बड़े नेता भी शामिल थे। महीने से ज़्यादा से चल रहा है, बहुत सारे किसान कड़ाके के ठंड में सिकुड़ते मर गए हैं, लेकिन यह सरकार के ऊपर किसी तरह का इस विरोध का असर नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक यह कानून किसान विरोधी कानून, किसानों के विरोध के कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इस राज्य में और पूरे देश में आंदोलन करते रहेगा और बाध्य होकर के केंद्र सरकार को इस काला कानून को आज न कल वापस लेना होगा। जैसे हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी और जो विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, वो जो हमारे पार्टी के जितने लोग अभिभावक हैं, जो नेता हैं जिला से लेकर बिहार तक, जो हमारे जितने अभिभावक नेता हैं सभी लोग का, या किसान जो विरोधी केंद्र सरकार जो मोदी जी बैठे हैं, कानून जो लाए हैं, नया नया कानून अमेंडमेंट किए हैं लाए हैं, उसके विरोध में सारे बिहार और पूरे देश के नौजवान और जितने हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे माता बहन हैं, सभी लोग उस कानून के विरोध में, इसलिए किसान के अनहित हो रहा है हर जगह। आज जितना भी पूरे देश में जो हमारे यहाँ संविधान बना है वो किसान की ही सुविधा के लिए बना है, किसान से ही सब बात लोग शुरू करते हैं और उसको लास्ट में ले जाकर किसाने के मुड़ी पर सबसे ज़्यादा कठिनाई हर चीज़ से उसको झेलना पड़ता है। दम पड़ेगा सरकार पर, इसका असर पड़ेगा। जब जब इस तरह के गलत बिल आए हैं, जनता रोड पर उतरी है, और अगर आंदोलन नहीं होता तो देश भी आज़ाद नहीं होता। इसलिए हम लोग बिहार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, जो लड़ रहे हैं इस काले कानून के खिलाफ, हम लोग भी बिहार के अंदर महागठबंधन के लोग एक सशक्त मजबूत मोर्चा बनाकर बिहार के अंदर आज मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, और सरकार पीछे नहीं हटती है। फिर हम लोग अगला आंदोलन चलता रहेगा जब तक यह बिल वापस नहीं हो जाता। एकदम किसान जो है, आप देखें जो झंडा फहराने वाले कौन लोग थे, तिरंगा को अपमान किया गया, आप देख रहे हैं कि लाठी से पीटा गया। इस पर आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए कि कौन लोग तिरंगा का अपमान करते हैं और किसान को बदनाम करते हैं। अपने देश के किसानों को देशद्रोही कहा जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है, कभी पाकिस्तानी कहा जाता है, तो यह तो बहुत बुरी बात है, देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सत्ता आज उनकी है, कल उनकी जा सकती है, दूसरे लोग आ सकते हैं, लेकिन देश के अंदर देश के लोगों को, किसानों को अगर हम कहें कि आप पाकिस्तानी हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। युवा, छात्र और सिवान की जनता की भागीदारी है इसमें।
हर तबके की भागीदारी, मजदूर भी हैं, हर तबके की यहाँ भागीदारी है और ये जनता जनहित का मुद्दा है, इसलिए हर तबका लोगों ने साथ दिया है और लगातार गवर्नमेंट जो दबा रही है लोगों की आवाज़, पहले छात्रों को दबाया, पिछले साल ठीक जनवरी में अल्पसंख्यकों को दबाया, आज किसानों को दबा रही है, किसी न किसी मुद्दे पे बदनाम करके किसी आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रच रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ आज हम लोग सड़कों पर। देखिए 2006 में NDA सरकार ने APMC का कानून रद्द कर दिया, जिसके चलते किसानों का बदहाली स्थिति जा पहुंच चुका है और किसानों के पास न रहने का कोई व्यवस्था है, न परिवार को परवरिश करने की कोई व्यवस्था है, किसान कर्ज में डूबते हुए जा रहा, अभी करोड़ों रुपया किसानों पर कर्ज लदा हुआ है, किसान जो है आत्महत्याएं कर रही है और MSP के तहत किसानों को अनाज को बेचना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि कृषि कानून बिल तीनों वापस किया जाए, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए और बिजली का बिल जो फरारी जलाने के लिए लागू किया गया है इसको वापस किया जाए और MSP कानून पुनः लागू किया जाए और जो भी किसान का फसल है उनको उचित मूल्य पर बेचा जाए और MSP के तहत लिया जाए। सरकार द्वारा जो लागू किया गया है किसानों के लिए घोर विरोधी है, इसलिए किसान पूरे त्रस्त हैं इस सरकार में। न गेहूं का उचित कीमत मिल रहा है, न धान की कीमत मिल रही है, न मक्का की कीमत मिल रही है, इसलिए किसान पूरे त्रस्त है। इसलिए सरकार इस कानून को वापस करे और किसान के हित जो मांग है उसको लागू करे ताकि किसान समुचित अपना जीवन यापन कर सके। आज मानव श्रृंखला जो कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, तीन कानून, यह काला कानून है। इस काला कानून के विरोध में हम सब मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। इस कड़ाके के ठंड में जो अन्नदाता हैं, जिसके अन्न से हमारा अन्न देश में नहीं विदेश में भी जाता है और उनको ठगने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार को, जब तक यह केंद्र सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग किसान के साथ हैं और उसी के लिए आज मानव श्रृंखला बनाया गया है। विधि व्यवस्था, गिरती हुई विधि व्यवस्था, आप लोग भी देख रहे हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, काफ़ी दहशत में लोग जी रहे हैं, कोई से वंचित नहीं है, नेता भी को भी गोली मारा जा रहा है, आम जनता को भी मारा जा रहा है। अरे जितने खामियां हैं इस सब के लिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और हम लोग मानव श्रृंखला के द्वारा कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग भरमाया जा रहा है। यह तो विपक्ष के द्वारा भरमाया नहीं जा रहा है, वह उन लोगों के द्वारा भरमाया जा रहा है। कृषि कानून ले लाकर किसानों को ठगा जा रहा है। इस कड़ाके के ठंड में हमारे किसान भाई रोड पर हैं और उनके तरफ देखा नहीं जा रहा है। यह तानाशाही सरकार है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाने का काम कर रहे हैं। जन समर्थन मिलेगा आप? मानव श्रृंखला के लाखों लाख जन समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से, क्षेत्र से लेकर गांव से लेकर शहर से, चारों तरफ से लाखों लाख की संख्या में मानव श्रृंखला में लोग जुटे हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को क्या आह्वान करना? हम लोग यही आह्वान करना चाहते हैं कि लाखों लाख आपके विरोध में, ये सारे काले कानूनों के विरोध में जनता खड़ी है। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।